जो भी मतलब हमने अभी भी हम राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि 1000 रुपए से क्या होगा, कम से कम पूर्व में भी कहे कि 10000 रुपया कम से कम लोगों को आर्थिक मदद करना चाहिए, सरकार के पास खाता है, सूची है, उनको 10000 रुपए मदद करना चाहिए और 1000 रुपए से क्या होना है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने जिनको भी मदद भेजा है उनको जरूरी पड़े तो दोबारा उन लोगों को हम लोग सूची हमारे पास उपलब्ध है, हम लोग मदद पहुँचाएंगे और पहुँचा रहे, लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं अपने जो जवाबदेही है उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार भाग रही है। लोग कैसे भी करके 21 दिन के लिए पेसेस बना के लोग अदर अदर स्टेट में किसी तरीके से कैसे भी अगल बगल से उधार लेके कैसे भी अपना जिंदगी चला लिए, लेकिन फिर से 19 दिन का जो पार्ट 2 जो लॉकडाउन हुआ उसमें कहीं ना कहीं आप देख लिए कि कल बांद्रा में, मुंबई में या गुजरात में रेलवे स्टेशन पे हजारों के सेखरा में लोग आए, फिर लाठी डंडा चार जोड़ा सब भयभीत है। तो सरकार को कम से कम सोचना चाहिए और कम से कम गरीब लोगों के लिए मदद करना चाहिए। और देखिए ये जो कोरोना वायरस है ये विदेश से लाया गया, अमीर लोगों ने लेके आया और उसको आज भुगत रहा है गरीब लोग। आज भारत सरकार ने अमीर के बच्चे लोग विदेश में पढ़ रहा था उनको लाया यहाँ पे, उनके जरिए ये बीमारी आया है और आज यहाँ पे गरीब मजदूर को बिहार सरकार हो या राष्ट्र केंद्र सरकार हो बस से या ट्रेन से लाने का उनके पास समय नहीं है, कम से कम उनको लाके अपने राज्य में अपने जिला में उनको पहुंचाए, ये आज सरकार के पास जवाबदेही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को सरकार को ये लॉकडाउन के बाद जवाब देना पड़ेगा कि आखिर विदेश से जो आप लाए जिनको वो कौन था, वो अमीर का बच्चा था, आप वो जो पढ़ने लिखने के लिए गए उनको लाए। निश्चित तौर पर हम इस बात से हम नहीं कहेंगे कि उनको क्यों लाए, जब उनको ला सकते हैं विदेश से तो हमारे भारत में जो लोग मजदूर कहीं पे फंसे हैं जिनको 2 वक्त का खाने का ठिकाना नहीं है वो लोग अगर कहीं फंसा है तो उनको क्या, उनको भी आपका जवाब दही है कि ट्रेन से बस से किसी तरीके से आपको लाना है। देखिए यूपी सरकार ने या बिहार सरकार को कुछ पिछले 12 बस से लाया गया उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं हुआ, तो आने वाले समय में अभी भी सरकार से कहेंगे कि उन सबको लाने का मजदूर का कोशिश करे और खाने पीने का सुख सुविधा उनको मुहैया कराया जाए। खाने पीने का समस्या है, पहले तो 21 दिन के लिए लोग किसी तरीके से कैसे भी गुजर बसर कर लिया और आज फिर से मोदी जी कल ही 19 दिन का फिर से लॉकडाउन उन्होंने बढ़ाया है। तो खैर प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय रहा वो देश के हित में है और लेकिन जनता जहां पे भी है खास करके मजदूर वो काफ़ी भयभीत है और काफ़ी चिंतित है और खाने पीने का समस्या नहीं है। तो कैसे भी करके हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरे प्रदेश में देश में जहाँ भी लोग हैं खास करके बिहार के मजदूर उनको हम लोग मदद पहुंचाने के लिए निरंतर आप देख ही रहे कि लगातार हम हमेशा 100, 200, 500 लोगों को सूची लेकर बैंक में मुहैया करा रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचाने का कोशिश करेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से तमाम पदाधिकारी दिन रात लगे हुए बिहार प्रदेश में जहाँ पे भी जो समस्या उनके लिए यहाँ पे कर ही रहे, अदर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों को मदद पहुँचा रहे और हम लोग से भी जितना हो रहा है उतना हम लोग यहाँ पे कॉल सेंटर बना के यहाँ पे लोगों के साथ जानकारी लेकर और विभिन्न विभिन्न खाते में अलग अलग जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग मदद पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारे इधर इसी तरीके से कॉल सेंटर बना रहेगा और एक एक लोगों को सूची ला के और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करेंगे।